हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइजेस की, जहां से कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस यहां से फिक्स है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बिकॉज इस वीडियो में आज हम देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइजेस मिली हैं वो किन्हें किन्हें मिली हैं, और उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो सके, और किस काम के लिए मिली है ये सारे चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किन्हें किन्हें यह प्राइज़ मिली है ये सारे चीज़ों की, तो चलिए देखते हैं। हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं, नोबेल प्राइजेस की हिस्ट्री क्या है। तो नोबेल प्राइजेस का जो है सोचा गया था कि नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा 1895 में, इस चीज़ के बारे में पूरा सोचा गया था। बट इसे शुरू किया गया 1901 में, 6 साल लगे इसे शुरू करने में, 1901 में यह शुरू कर दिया गया। यह किया कि किसके याद में, दिया किनके याद में जाता है, तो अल्फ्रेड नोबल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और ये कहाँ के हैं तो स्वीडन के हैं। इस कारण यह जो अवार्ड है वो कहाँ दिया जाता है, तो स्वीडन में दिया जाता है। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो पहले नोबेल पुरस्कार की घोषणा 5 क्षेत्रों में की गई थी। वो 5 क्षेत्र थे आपके, पहली हो गई शांति की क्षेत्र, भौतिकी की क्षेत्र, रसायन विज्ञान की क्षेत्र, चिकित्सा की क्षेत्र, और एक क्षेत्र आपका और बच रहा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र हो गई, साहित्य के क्षेत्र हो गई। बट उसके बाद क्या हुआ कि 1969 में सोचा गया कि हमें एक और क्षेत्र में यह अवार्ड देना है, और वह क्षेत्र कौन सा था, तो अर्थशास्त्र। अब यह अवार्ड कुल कितने क्षेत्रों में दी जाती है, तो यह अवार्ड कुल आपके 6 क्षेत्रों में दी जाती है। अब ये 6 क्षेत्र में दी जाती है, तो क्या ये सारे स्वीडन में दिए जाते हैं? तो आप सभी को मैं बता दूं, 5 क्षेत्र जो है अवार्ड स्वीडन में दिया जाता है। बट जो शांति यानी कि पीस का क्षेत्र है, उसमें जो है अवार्ड वो कहाँ दिया जाता है, तो शांति के क्षेत्र में अवार्ड नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब बात ये है कि कौन से क्षेत्र में कौन अवार्ड देती है, तो आपके भौतिकी हो गई, रसायन हो गई, और अर्थशास्त्र, इन तीनों के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है। बट अगर उसके बाद हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम देती है, और चिकित्सा के क्षेत्र में कैरोलिक्स इंस्टीट्यूट देती है, और अगर शांति की बात करें, क्योंकि वो नॉर्वे में दी जाती है, तो नॉर्वे की सांसद देती है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ से हो गई। इसके बाद जो यह अवार्ड जीतते हैं, जो यह नोबेल पुरस्कार जीतते हैं, उन्हें मिलती क्या क्या है, तो उन्हें मिलती है एक मेडल जो कि आपका 23 कैरेट का होता है और 200 ग्राम का होता है। उसके साथ साथ उन्हें मिलती है 11,10,000। 11,10,000 जो है क्या मिलती है, तो 11,10,000 उन्हें मिलती है डॉलर। और अगर स्वीडिश कोरोना की बात करें, बिकॉज ये स्वीडन में मिलता है, तो 90,00,000 स्वीडिश कोरोना मिलती है। तो ये सारी चीज़ थी इसकी हिस्ट्री। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने बोला हम ट्रिक देखेंगे, तो रसायन के क्षेत्र में आपको सभी को याद रखना है कुल 3 क्षेत्रों में दी जाती है यह अवार्ड। जॉन बी गुड एनफ को दी गई है, एम स्टैनली विंटिंगम को दी गई है, और अकीरा योशिनो को दी गई है। यह अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है, तो यह अवार्ड दिया गया इन्हें लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। अब लिथियम आयन बैटरी है वो किस चीज़ के लिए, वो जो है लिथियम आयन बैटरी वो इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं और लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो सभी में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, और उसी के विकास के लिए इन तीनों को यह अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि जॉन बी गुड एनफ, ये आपके सबसे उम्र दराज नोबेल प्राइज़ विनर है। इनकी उम्र आपकी 95 या फिर कहीं 95 है तो कहीं 97 साल दी हुई है। तो ये सारे हो गए। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। आपको यहाँ पे ट्रिक क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हो रसायन, रसायन में आपका एक वर्ड आता है क्या, तो रस, रस यानी कि जूस, जूस पी के जो होता है
जूस पी के हमारा जो है ना योशिनो यानी शिनो साइन करता है एस एच आई एन ई साइन करेगा। उसके बाद साइन करने के बाद विटिंगम वाइट हो जाएंगे हम, और वाइट होने के बाद गुड लुकिंग दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे यही ट्रिक है कि अगर हम रस पीते हैं तो हम हमारा चेहरा शाइन करने लगता है, शाइन करने के बाद वाइट दिखता है, उसके बाद हम गुड लुकिंग दिखने लगते हैं। तो ये तीन हो गए, जॉन बी गुड एनफ, एम स्टेनली विटिंगम और यकीरा अकीरा योशिनो। अब ये किस देश के हैं ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। जॉन बी गुड एनफ ये आपके अमेरिका के हैं, एम स्टैनली विटिंगम ये आपके ब्रिटेन के हैं, और अकीरा योशिनो ये आपके जापान के हैं। तो ये आपको ये सारे थे यहाँ पे ट्रिक्स, आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाभ उठा सके। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि और भी इसी तरीके के जो भी क्षेत्र आपके बच रहे हैं उन सभी के ट्रिक्स भी हम आपको लाएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।